गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज मैं लेके आई हूँ अगेन आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग ऑफ मीशो साड़ी। सो बिना डिले के स्टार्ट करती हूँ गाइस। और सबसे पहले साड़ी की हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये रही सबसे पहले साड़ी, इस तरीके की पैकेजिंग में आई है। और चलिए इसको जल्दी से ओपन करते हैं। सो गाइस ये देखिए, इस तरीके ग्रीन कलर की साड़ी है और इस पर एम्ब्रॉयडरी किया गया है। इसको ओपन करती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा हम लोगों को ये साड़ी। और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसका जो फैब्रिक है वो डोला सिल्क है गाइस। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये साड़ी। और इसको पूरा ओपन करके देखते हैं हम लोग। सो ये है इसका आंचल जो कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन कलर और गोल्डन कलर का इस पर इंक्लाइन लाइन बनाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जो गोल्डन कलर का ये जो लाइन बनाया गया है ये प्रिंट है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी की गई है ये पूरी साड़ी में और यहाँ पर आंचल में भी दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एम्ब्रॉयडरी की क्लियरिटी देखिएगा, इस आपको क्लियर हो रहा होगा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पहनने के बाद भी इसके साथ कोई हैवी ब्लाउज भी आप वेयर करेंगे तो बहुत खूबसूरत जाएगा। ये सादे वेडिंग पर्पस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो प्राइस है 699, इसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो फैब्रिक है वो डोला सिल्क है। ये पूरी साड़ी 5.5 मीटर की साड़ी है। और चलिए बात करते हैं इसके ब्लाउज़ की। तो इसका जो ब्लाउज़ है वो पूरा प्लेन रेड कलर में दिया गया है और इस पर ये जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क भी दिया गया है जो कि इसको आप स्लीव में या बैक में भी लगवा सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये पूरी ये जो है ब्लाउज़ प्लेन है। और अगर आपको अगर ये चाहे तो आप स्टिच करा सकते हैं, नहीं तो इसके साथ कोई हैवी ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि पूरी साड़ी जो है हमारी प्लेन है और ये हमारा इतना जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क केवल इतना ही दिया गया है। और इसको तो आप डेफिनेटली जो है इसको किसी भी इसको कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ भी आप पहन सकते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये भी येलो कलर की ये जो है येलो कलर के ब्लाउज के साथ भी बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। सो आप ट्रायल ऑन में देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इतने कम प्राइस में, इतनी खूबसूरत साड़ी। सो गाइज अगर आपको ये साड़ी लेनी होगी तो मैंने इसके कोड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है तो आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट साड़ी की करते हैं हम लोग ओपनिंग। सो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी और जो कि ये भी है ग्रीन साड़ी। और ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी आई है ये साड़ी, क्योंकि फर्स्ट साड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सो ये है हमारी सेकेंड साड़ी जो कि है बनारसी सिल्क है। और इसको चलिए देखिए कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आई है गाइस। और इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी आई है गाइस। ये कलर देखिए थोड़ा ग्रीन कलर में है बट ये फेड है। और ये साड़ी का जो कलर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। ये देखिए गाइस ये कितना ज़्यादा वो जो है ऐसा इसमें शाइनिंग नहीं है इस साड़ी में। तो बनारसी का मतलब क्या होता है ना कि साड़ी एकदम शाइन करती हुई होती है, बट ये बनारसी सिल्क बोला तो गया है बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये बनारसी सिल्क है। वो 505 है बट ये साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा फेड है। ये देखिए गाइस ये ग्रीन कलर, इस ग्रीन कलर और फर्स्ट वाले ग्रीन कलर में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें ये जो ये गोल्डन कलर का जो ये फ्लावर बने हुए हैं ये भी सभी काफ़ी ज़्यादा फेड है। कहते हैं ना कि थोड़ा सा लाइट के साथ थोड़ा डार्क अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है बट इसमें तो दोनों ही फेड लग रहा है। और ये साड़ी मुझे कलर इसका बिल्कुल ही भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं। और जब ये कलर स्टार्ट करती हूँ मैं इसके आंचल से और इसका कलर जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेड लग रहा है। और ये पूरी साड़ी 5.5 मीटर की है। और चलिए बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज़ की। तो गाइस ये देखिए ये पूरा प्लेन है और यहाँ पे जो है इसका बॉर्डर जो दिया गया है वो भी गोल्डन कलर का है। और जो है इसमें कुछ खास बताने को है नहीं गाइस, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर जो अच्छा नहीं लग रहा है मैं उसकी रिव्यू देने में मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सो इसको तो अभी हम रहने देते हैं। सो
ओके ओके भी नहीं है इस ये साड़ी की। हाँ एक होता है कि 505 की साड़ी है तो चलो ठीक है ओके भी हो तो अच्छा लगता है, बट ये ओके भी नहीं है। सो मैं इस साड़ी के बारे में और क्या ही बताऊँ। सो चलिए नेक्स्ट साड़ी की अनबॉक्सिंग करते हैं और होप करते हैं कि वो साड़ी बहुत अच्छी निकले। सो ये है हमारी जो है थर्ड साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब हम ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कैसी है। ये है ब्लू कलर की साड़ी, वाह खूबसूरत लग रही है। ये गाइस देखिए ये ब्लू कलर की साड़ी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये सीक्वेंस वर्क किया गया है इस पर। इसको ओपन करते हैं। सो सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं ये आंचल से। ये देखिए आंचल, ये पूरी साड़ी में इस तरीके का देखिए सीक्वेंस वर्क किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस कहीं ख़राब हुआ हो, कहीं भी नहीं। और काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। ये पूरा जॉर्जेट फैब्रिक, इसका जो फैब्रिक वो जॉर्जेट है गाइस, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये साड़ी। और इस साड़ी का जो प्राइस है वो है 740 और 740 की ये साड़ी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी है। पूरी साड़ी 5.5 मीटर की है और इसका जो ब्लाउज़ है वो है एकदम प्लेन। ये देखिए गाइस ये बिल्कुल प्लेन है। आप इसके साथ ब्लाउज को स्टिच ना करवा के इसके साथ ब्लू कलर का वेलवेट स्लीवलेस ब्लाउज पहनेंगे तो गाइस इस साड़ी की चार चांद लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे तरीके से जो है इस पर पाइपिंग की गई है ब्लू कलर की साड़ी, ब्लू कलर के बॉर्डर के पास ऐसे पूरी साड़ी में पाइपिंग की गई है। और इसको आप पार्टी वियर, वेडिंग वियर, ट्रेडिशनल वियर किसी में भी, आप किसी भी फेस्टिवल में भी आप वियर कर सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लुक देगा। इसके साथ अगर आप स्लीवलेस ब्लू कलर की वेलवेट ब्लाउज वियर करते हो तो और भी ज़्यादा ऑसम लगेगा गाइस। ये मैंने एक ऐसे ही नॉर्मली मैंने सोचा बच्चों का भी कुछ मंगवाया जाए और देखा जाए कि बच्चों के कपड़े कैसे आते हैं, तो मैंने मंगवाया हुआ है। सो मैं सोची हूँ आपके साथ वो भी शेयर करूँ। तो गाइस ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ये जो है बच्चे का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए गाइस बॉय है और 2 ईयर का है और ये जो इसका कपड़ा है वो होजरी कपड़ा है और काफ़ी खूबसूरत सा एक लाइक जेंटलमैन टाइप का है और काफ़ी खूबसूरत लगेगा उसके ऊपर। और इसके साथ मुझे सेट में मिला है ये पैंट है और छोटा सा प्यारा सा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये साड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना का ध्यान रखिए। ओके गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।